नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स में एडमिट करा दिया गया है। हमने आपको सुबह ही खबर दिखाई थी जब ये बताया था कि शहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता और प्रवक्ता पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद ही उन्होंने ये ट्वीट कर सबों को हिदायत दी थी कि उनके कॉन्टैक्ट में जो भी लोग आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट कराएं। इसी कड़ी में राजीव प्रताप रूड़ी के साथ में मंगल पांडे और सुशील कुमार मोदी क्वारंटीन हुए थे, उनका कोरोना टेस्ट हुआ और अब खबर निकल कर आ रही है कि सुशील मोदी पॉजिटिव पाए गए हैं और बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना के एम्स में एडमिट कराया गया है। इस बात की जानकारी सुशील मोदी ने खुद ही दी है ट्वीट करके। हम आपको उनका ट्वीट भी दिखाते हैं जहां पर सुशील मोदी ने इस बात की जानकारी दी है कि वे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स में एडमिट हुए हैं। सुशील मोदी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर उन्होंने लिखा है, टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना, ऑल पैरामीटर्स परफेक्टली नॉर्मल, स्टार्टेड विथ माइल्ड टेम्प, नो टेम्प फॉर लास्ट टू डेज, एडमिटेड टू एम्स पटना फॉर बेटर मॉनिटरिंग, सीटी स्कैन ऑफ लंग्स नॉर्मल, विल बी बैक सून फॉर कैंपेनिंग। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जांच के बाद और बाकी की चीज़ें ठीक है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए, नियमित इलाज के लिए वे पटना के एम्स में भर्ती हो गए हैं ताकि उनकी बेहतर मॉनिटरिंग की जा सके, स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखा जा सके। लंग्स का जब सीटी स्कैन किया गया तो वो नॉर्मल आया और सुशील मोदी ये लिखते हैं कि जल्द ही पटना एम्स से वो वापस होंगे और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के बाद अब सुशील कुमार मोदी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। पहले ही सुशील कुमार मोदी, राजीव प्रताप रूड़ी और मंगल पांडे क्वारंटीन हुए थे, क्योंकि शहनवाज हुसैन ने ट्वीट कर इस बात की हिदायत दी थी कि जो लोग भी उनके कॉन्टैक्ट में आए हैं वो क्वारंटीन हो जाए, क्योंकि शहनवाज हुसैन पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ये खबर निकल कर आई है कि सुशील मोदी पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना संक्रमित हुए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम इस बात की जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी है, हमने आपको उनका ट्वीट भी दिखाया और ये खुद कह रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, चिंता की उतनी कोई बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखा जा सके, बेहतर मॉनिटरिंग हो सके, इस वजह से वे खुद पटना एम्स में एडमिट हुए हैं। और बाकी चीज़ों की भी जानकारी उन्होंने दी है कि जब सीटी स्कैन हुआ उनके लंग्स का तो वो भी नॉर्मल आया है, और ये बात भी कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी कि वे जल्द ही वापस आएंगे अस्पताल से और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के डिप्टी सीएम बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने हालांकि कहा है कि उनका स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है, बेहतर इलाज के लिए, बेहतर मॉनिटरिंग के लिए पटना एम्स में एडमिट हैं, और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ठीक होकर वापस आएंगे और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।